शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुमार के अंतर्मन में विद्रोह की भावना पनप रही थी। उसने हेमनंदिनी से कहा कि मैं तुम्हें इस गंदगी से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। घंटा निकालेगा गंदगी से बाहर, बट लिखा अच्छा है। निक्की, ये तो मेरी शर्ट। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं निक्की नहीं हूँ, रुबीना हूँ। चलेगा? रुबीना? कौन रुबीना? नहीं आया समझ? शिट। सॉरी। क्यों पी लेता हूँ मैं इतनी दारू? इतनी बार। हेलो? अरे दरवाजा खोलो! अरे कोई है बाहर? ये दरवाजा क्यों बंद? दरवाजा खोलो! अरे दरवाजा खोलो यार! तो आज इस पिंटू की तो ऐसी की तैसी। ये दरवाजा नहीं खुलेगा, वो कमीना बाहर से बंद करके गया है। अब ये कमीना कौन है? ओए उत्तम, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि पुरुषोत्तम यू आर अ ब्रिलियंट राइटर, जस्ट पुश योरसेल्फ लिटिल बिट। बताओ ये कोई गलत बात हुई? नहीं भौजी, आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा था, लेकिन हर इंसान को उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से हैंडल करना पड़ता है। लेकिन आप हैं कि... अरे चुप कर, तू बताएगा मुझे पुरुषोत्तम की साइकोलॉजी? इडियट। बाय गॉड, आपने सारी रात मुझे सोने नहीं दिया। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मैंने? लाइफ में पहली बार ऐसे इंसान से मिली जो अपनी बीवी को इतना प्यार करता है। प्लीज देखिए, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ भी करके ये दरवाजा खुलवाइए प्लीज। ओ बेटा जी, हस्बैंड वाइफ में तो फाइटा होती रहती हैं। ओ फाइट किधर हुई थी? सिर्फ बहस हुई थी मम्मी जी। अच्छा फिर हैं? दस मेनू बेटा, एग्जैक्टली होया की सी? मम्मी जी, इनके दोस्त मनु शर्मा है ना, उन्होंने नया फोटो स्टूडियो खोला था, बहुत बड़ा स्टूडियो। मम्मी जी ये पूरा सियाप्पा ना वहीं से शुरू हुआ। सब आ चुके थे सिवाय पुरुषोत्तम के, साथ में थी उनकी बीवियां। सब कितने खुश लग रहे हैं और एक हम है। सब कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन पुरुषोत्तम इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करने के बावजूद आज भी वही के वही है। यार सुनीता, वो ड्रिंक्स का क्या हुआ, भिजवाओ यार। ओए निक्की, अकेले क्यों खड़ी है? चल चल। हां जी, बता ना तू यार, कमाल का बंदा यार। वेरी नाइस। एक तो लेडीज गारमेंट की दुकान चलाता है, ऊपर से हर तीसरे महीने इसका एक नॉवेल बाहर आ जाता है। मतलब कैसे यार? देख यार, फॉर्मूला बहुत सिंपल। अगर इंसान के अंदर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति हो तो 3 महीने क्या, वो 3 दिन में निकले नॉवेल। और बस यही पुरुषोत्तम में नहीं है आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति। अरे भाई साहब। अरे भाभी, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ रह गए थे आप? देर होगी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और मैं तो विस्की पीऊंगा। अरे कंग्रेचुलेशंस, बहुत लेट होते हो यार। इतना बड़ा है यार, ये पूरी दीवार ऊपर से तोड़ देंगे और वहाँ पे 6x6 के स्क्वायर बना के ये लाफिंग बुद्धा रख देंगे और मेंढक रख देंगे। यहाँ पर राउंड बल्ब जो है लगाना बहुत जरूरी है। ये आलू के पराठे बनाए हैं आपके लिए, ये लीजिए। तुम इतनी सुपरस्टिशियस हो, I cannot believe it। आपकी फिक्र है मुझे, इसीलिए तो ये सब कर रही हूँ। सोचो कोई तो बात है ना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। यार आगे बढ़ के जाना क्या है ये तो डिसाइड कर लो पहले। तो जिंदगी ऐसी चलती रहेगी इसी मीडियोकर तरीके से? यार ये तरीका मीडियोकर नहीं है, तुम्हारी सोच है मीडियोकर। प्लीज स्टॉप ऑल ऑफ दिस यार निक्की, प्लीज। व्हाई शुड आई? मेरा जो मन है वो करूंगी, अब होते कौन है मुझे रोकने वाले? हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, वही होता हूँ। अच्छा, हस्बैंड ऐसे नहीं होते जैसे आप हो। हस्बैंड हूँ, हस्बैंड के कर्म भी होते हैं, फैमिली के प्रति धर्म भी होते हैं। ये नहीं लिखा आपके अच्छे साहित्य में? ठीक है फिर। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन?
साफ साफ बताना मतलब क्या इसका। स्टॉप इट, मैं बोल रहा हूँ बंद कर दो वरना मैं भी उल्टा हाथ मारूंगा ना, पति जी आ जाएगी बाहर। उल्टा हाथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझ पर हाथ उठाओगे? मुझ पर हाथ उठाओगे? समझते क्या अपने आपको? राइडर साहब हाथ लगा कर तो दिखाओ। स्टॉप इट यार, एनफ। किसे रहना इस जहन्नुम में? नहीं रहना है ना, चले जाओ यहाँ से। Get the hell out of here. दिखाता हूँ मैं अभी। अरे क्या दिखाओगे, अपने आप को दिखाओ। ऐसी जगह ले चलो जहाँ दारू मिले इस वक्त। अरे वाह भाई साहब, आप तो भारी कैटेगरी के हो। बैठो, आपको लेके चलता हूँ कुकू जी के आश्रम। हेलो शो चलिए ना। कहाँ? कहीं भी। रात के अंधियारे में हम चुपके से कुटरगो कुटरगो करेंगे। नशा है जाम का या मेरी आग का, ले आके पी ले जाने जाए, पल मिलेंगे फिर कहाँ। नशा है जाम का या मेरी आग का, ले आके पी ले जाने जाए, पल मिलेंगे। शाह जाम का। अब भी बताती हूँ साले को। चलो बाहर निकलो। अबे तू कहाँ भाग रहा है? इन्हें क्यों पकड़ रहे हो? अरे ये तो देखिए हाथ मत लगाइए, शरीफ आदमी है, इज्जतदार आदमी हूँ मैं। इज्जतदार? पुलिस स्टेशन चल, वहाँ देखता हूँ तेरे को मैं। बाय गॉड कह रही हूँ, ये मेरे मुँह बोले हस्बैंड है। अच्छा? ओ मैडम जी, ये बंदा तो कह रहा है वो आपका हस्बैंड है। नहीं नहीं, वो मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते है। यही तो मैं कह रहा हूँ, जिस तरह की हरकत इस आदमी ने की है वो आपका हस्बैंड हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारा हस्बैंड लगता है, पर शक्ल से तू उसकी वाइफ नहीं लगती। निकी मैं बोल रहा हूँ। अब वहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली इन्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। Shut up! Don't show me your dirty face again! Explain. शौनक किससे बात कर रहे थे? मेरी वाइफ से। वाइफ? वो आपकी वाइफ है तो मैं कौन हूँ? This is very bad है शौनक, मुझे बता देना चाहिए था। मैं सेकंड वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता, पर अभी बाय गॉड मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सर, हमने कुछ गलत काम नहीं किया। साबित करो। कर दिया। ओ शर्मा, हाँ। ये किस शरीफ आदमी को पकड़ लाया यार? इनकम टैक्स पे ही है। ओ वैसे भी इनका फैमिली मैटर है यार, हमें इनके फैमिली मैटर से क्या लेना। चलो भाई कट लो। थैंक यू। चलो भाई जाओ जाओ। चलो चलो। एंजॉय योरसेल्फ। चलो सुना। हाँ सुन रहा हूँ। दो तीन। अरे कमाल है, हम क्यों जाए कानपुर? वो क्यों नहीं चले जाते अपने पटियाला? बेटा तूने क्या कर दिया ये जो फैसले की बात करने लगे वो? अरे वो क्या फैसला करेंगे अम्मा, फैसला तो हम करेंगे। चलो ठीक है बड़े भाई। करेंगे क्या, कर चुके हैं। मैं निकलता हूँ, दो तीन दिन में आता हूँ, ठीक है? ध्यान रखना। चलो चाय तो पियो जी। सुनो त्रिपाठी जी, भाई ऐसा नॉवल तो हम अवार्ड से अवार्ड मिलने के बाद ही छापते हैं। अब अवार्ड तो मेरे बस की बात नहीं है ना भैरव साहब। अरे हम दिला देते हैं अवार्ड, आप तो सिर्फ पैसा खर्च करो। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा अवार्ड। तो फिर इसके छापने के पैसे दो। छापने के पैसे भी मैं दूं? तो और कौन देगा? अरे आपकी किताब आपको ही देना पड़ेगा। ये के? ये चाय के पैसे। अरे चाय के पैसे?
जा रहे हो? हाँ। पक्का? बिल्कुल पक्का। एक बात कहूँ, आप बड़े सच्चे इंसान हो। तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो, मुझसे कहीं ज्यादा सच्चे। रुबीना, ये जीते हुए पैसे तुम्हें सामने से देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मिडिल क्लास राइटर हो ना, बहुत रोग है मन के। तुम्हारी सच्चाई का जर्रा भर भी होता तो बहुत सुखी इंसान होता। ये पैसे अब तुम्हारे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है मगर तुम्हारे भाई की पढ़ाई में काम आएंगे। अपना ख्याल रखना, सिर्फ नाम का पुरुषोत्तम। मैं क्या बोलूं भाभी जी, समझ लो हो गया आपका काम। बट भाभी जी, आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि ये छपने के बाद किसी लाइब्रेरी में पड़ी धूल चाटती रहे, नहीं ना? नहीं। तो मैं बोलूं वैसा कर। एक ठरकी सी जिंदगी। वाह, एक ठरकी सी जिंदगी। भाई मजा आ गया, कमाल हो गया जी। क्या क्या, आपके हस्बैंड तो बहुत इंटेलिजेंट है। मुंह बोले हैं? थैंक यू। अब आप देखना, दो दिन में पूरे मार्केट में छा जाएगी। हाँ जी। कुछ तो कहो। सॉरी जी, आपने कभी सोचा भी नहीं कि मैं कैसे रह रहूंगी आपके बगैर? मैंने सोचा था कि एक बार नॉवल छप जाएगा तो एक बार में ही। And that day at the police. मालूम है, मुझे पता है कि आप दूसरी औरत की तरफ कभी देख नहीं सकते, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई और आपने बताया तक नहीं। I said ना, sorry यार। उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये देखो इसकी बात कर रही हूँ मैं। ये मेरा नॉवल है? हाँ जी, आप ही का तो है, ये देखो। नीचे हटो तुम। क्या है ये? क्या है ये? केस कर दूंगा मैं आप लोगों पे। क्या हुआ भाई साहब? अरे कौन चिल्ला रहा है? अरे त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या मजाक है? किसने अधिकार दिया आपको मेरे नॉवल के साथ खिलवाड़ करने का? भाई आपने खुद नहीं अपनी बीवी रवीना जी को पैसा देके भिजवाया? आपने ही भाषा चेंज की। अरे हमने तो वही किया जो आपने कहा। रुबीना? हाँ याद आया, अब बोलो। अब आराम से बैठो और बताओ बात क्या है। हाँ, अरे वास्तव जी। हाँ। मार्केट से सारी कॉपीज वापस मंगा लो। जी जी ठीक है सर। पुरुषोत्तम रुको, पुरुषोत्तम कहाँ जा रहे हो? दम घुटता है मेरा अब इस घर पे। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे पता है आप नाराज हैं। मैं सॉरी कहने आई हूँ। मैंने जो भी कुछ किया आपकी सक्सेस के लिए किया, आपकी खुशी के लिए किया। सॉरी। अरे निक्की आओ आओ, चुपके क्यों खड़ी हो? नमस्ते। नमस्ते। इनसे मिलिए, इन्होंने आपके जीवन में कितनी सारी खुशियां बिखेरी। ये वही really? जिन्होंने मेरे नॉवल की फुल स्केल सर्जरी करके उसे पब्लिश करवा दिया। क्या आप भी राइटर हो? ओ मैं नहीं, मैं एक्चुअली मैं निकी, ये राइटर नहीं है, ये वही है जिनके साथ मैं पकड़ा गया था पुलिस स्टेशन पे, याद है? और तुमने कहा था कि मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, तो इन्हीं के साथ तो था मैं, सहारा दिया था इन्होंने। How dare you? जाओ।
बहुत चौंक रहा दूसरी औरत के साथ। अरे पूरी बात तो सुनो। अभी मैं दिखाती हूँ कि घर कैसे छोड़ा जाता है तुमको। She is very nice. ये वक्त है। Everybody is very nice. यही problem है। निकी। टैक्सी लेकर आ। Okay. निकी। वो अब बिल्कुल ठीक है। आप उनसे अंदर जाके मिल सकते हैं। निकी जी, मैं ये कहने आई थी कि वो तो आ ही गए थे मेरे साथ, बट ऑल द टाइम सिर्फ आप ही के साथ थे। सही में बाय गॉड मुझे टच भी नहीं किया था। हमेशा आपके ही बातें करते थे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, मुझे पता है पुरु कैसे। थैंक यू। तुम्हें भी अपनी जिंदगी पूरी इज्जत से जीने का अधिकार है। फर्निश मिला है घर, वेरी नाइस। हाँ क्या बात कर रही है? हाय, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, हाँ शाम को आ जा। सुनो, आप लिख रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ यार, लेकिन कुछ मूड ही नहीं बन रहा है। आपकी रुबीना टुबीना को बुला दो, बन जाएगा मूड। क्यों, रुबीना का डांस तुम खुद ही कर दो, वैसे ही मूड बन जाना। आप भी। सुनो, वो सुनीता का फोन आया था, वो और मन्नू स्विट्जरलैंड जाके आए। तो क्या हुआ, हम भी तो गए थे पिछले महीने मनाली। लेकिन स्विट्जरलैंड नहीं गए ना, मिसेस सेठी भी जाके आई पिछले महीने, सारा मोहल्ला स्विट्जरलैंड जाके आया, सिर्फ मुझे नहीं पता। अरे तो उसमें क्या है, गूगल कर लो, सब पता चल जाने। शुरू हो गया आप फिर से बात को टालना? तुम भी शुरू हो गई, दूसरों को देख के कुड़ना। आप भी ना, आपसे बात करना ही मुश्किल है। जब देखो, अगर मैं कनाडा में होती ना तब समझ में आती आपको मेरी इम्पोर्टेंस। भेजा सड़ा के रख गया। अरे यार अंग्रेजी आती नहीं है तो बोलते क्यों हो तुम लोग? हाँ हाँ आपको बहुत आती है ना, लिखो ना अंग्रेजी नॉवल, थोड़े से पैसे तो मिल जाएंगे। जब देखो पैसे पैसे पैसे, पैसे का क्या, अचार बना के खाना है। हेलो देवीर जी, इन पंजाबियों को ना माय गॉड खुश रहना आता ही नहीं है। प्लीज आप जल्दी सुधरी है कभी, जो पिक्चर के एंड में सुधर जाएंगी। और हस्बैंड